हेलो गाइस, जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स में लगभग लगभग काफी सारी चीजें लगभग हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जो उनको पढ़ते हैं, जैसे ये है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक दो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उनको हम पढ़ेंगे, इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। पहले स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम, देखो हमें पता है आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। पहली चीज तो ये, देखो हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें निकालना है अगर किस, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है। देखो हमें पता है जब हमारे पास एक्स वाई डायग्राम होता है तो स्लोप को क्या लिखते हैं हम, डी वाई बाय डी एक्स, स्लोप को क्या लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे स्लोप को लिखेंगे वाई की जगह क्या है, पी डी पी बाय एक्स की जगह क्या है, वी। तो स्लोप यहां पर क्या आ जाएगा, डी पी बाय डी वी, जैसे यहां पर डी वाई बाय डी एक्स था स्लोप, यहां पर डी पी बाय डी वी, यानी कि मेनली हमें dp बाय dv की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, dp बाय dv की वैल्यू निकालनी है। तो चलो टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अच्छा pv इज इक्वल टू mRT होता है आइडियल गैस के लिए, क्या होता है, pv इक्वल टू mRT। अब देखो हमें पता है मास जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट, आर भी कांस्टेंट, और यहां पर इसके लिए आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट हो गए, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, मास और आर, एम और आर की वैल्यू हमें पता है, ये दोनों कांस्टेंट होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की तीनों की मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पी एज इट, सॉरी हाँ ठीक है, कैसे भी कर लो, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, वी का डिफरेंशिएशन डी वी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, यानी कि पी एज इट इज पहले वी का डिफरेंशिएशन डी वी, फिर वी एज इट इज पी का डिफरेंशिएशन डी पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमें चाहिए डी पी बाई डी वी, तो इस वाली टर्म को हम उधर ले जाते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, वी इंटू डी पी क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी, डी वी को इधर ले आओ, वी को उधर ले जाओ, तो आपके पास dp by dv की वैल्यू आएगी माइनस पी बाय वी, dp by dv की वैल्यू आएगी माइनस पी बाय वी, और माइनस पी बाय वी, और यहां पर लिखेंगे हम t इसलिए लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि dp by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। तो ये किसकी स्लोप होगी, आइसोथर्मल कर्व की, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, dp by dv ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी, ठीक है, dp by dv इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी, ठीक है, सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो पीवी भी कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे और डीपी बाय डीवी निकाल लेंगे, सिंपल, बहुत इजी है। अब सेकंड, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट हम एक साथ बनाएंगे दोनों को, एडियाबैटिक और पढ़ लेते हैं, हम दोनों को एक साथ बनाएंगे ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व पीवी डायग्राम के ऊपर, ठीक है, पीवी डायग्राम पे हम देख रहे हैं एडियाबैटिक कर्व का स्लोप कैसे होगा। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, पीवी की पावर
पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें पता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, हमें एक चीज पता है, एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो आप तो क्या आता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, सॉरी वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, यही लगाएंगे यहां पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर में जो पहले गामा, फिर वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, ये हो गया इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि वी की पावर गामा एज इट इज, एंड पी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी पी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ये आएगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी पी आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। तो इस वाली टर्म को, इस टर्म को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा v की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू गामा v की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, ठीक है। अब एक चीज और, एक और कैसे, क्या चीज, कि अगर आपके पास x की पावर n माइनस वन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये अगर बेस सेम है तो पावर जैसे जुड़ जाती है तो n माइनस में प्लस वन हो जाएगा, तो ये n माइनस वन हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर n डिवाइड बाय x, x की पावर माइनस वन का मतलब क्या है, वन बाय x, ठीक है, x की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन बाय x। तो x की पावर n माइनस वन को हम लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x की पावर माइनस वन, ये होता है ना, जैसे जैसे ये भी होता है x की पावर n a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो इसको आप x की पावर a इंटू x की पावर b लिख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से ये लिख दिया मैंने x की पावर n माइनस वन को, तो यानी कि v की पावर गामा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, v की पावर गामा डिवाइड बाय v, तो यहां पर आ जाएगा ये v की पावर गामा है इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस पी गामा v की पावर गामा डिवाइड बाय v इंटू डी वी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, dv को इधर ले आओ, यानी कि dp by dv आपके पास आया, माइनस गामा में पहले लिख देता हूं p by v, p बचा यहां पे, गामा p बचा और यहां पे v बचा, dv को तो हम इधर ले गए। और ये किसके लिए आया, हीट कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू आई आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। स्लोप dp by dv ही निकालने थे हमें, dp by dv अब क्या है, हीट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आई, माइनस गामा इनटू p by v, तो मैं यहां पर लिख दूं इसको, dp by dv ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू माइनस गामा इनटू p by v, ठीक है। फिर से बता देता हूं, p v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में चला जाएगा गामा माइनस वन, गामा आगे, v की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस v की पावर गामा, ठीक है, v की पावर गामा इंटू डी पी, ये v की पावर गामा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी पी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका जीरो, ठीक है। तो इसको इधर रख लो, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, ये माइनस हो गया, ये वाली टर्म जो पूरी की पूरी,
अब v की पावर गामा माइनस वन को हम लिख देते हैं v की पावर गामा डिवाइड बाई v, v की पावर गामा इधर भी है और इधर भी, ये कैंसिल हो गया, तो dv को इधर ले आओ, dp बाई dv हो जाएगा माइनस गामा इंटू p बाई v, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन से हमें एक चीज तो पता चल रही है, एक चीज पता चल रही है, क्या चीज हमें पता है, एज गामा जो है वो ग्रेटर देन वन होता है ऑलवेज, गामा की वैल्यू एक से बड़ी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला स्लोप ज्यादा है इससे, इसका मतलब क्या है, दिस डीपी बाय डीवी इज ग्रेटर देन, देखो अगर मैं यहां पर चलो ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू गामा इंटू डीपी बाय डीवी ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, लिख सकते हैं, देखो गामा इंटू माइनस पी बाय वी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहां पे, ये जो माइनस पी बाय वी है, गामा इंटू माइनस पी बाय वी है, माइनस पी बाय वी की जगह डीपी बाय डीवी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी पुट कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप, कहां पर, ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। अब गामा की वैल्यू वन से ज्यादा होती है, ठीक है, गामा की वैल्यू वन से ज्यादा होती है, यानी कि सपोज करो टू है, 1.5 होती है, वैसे ही मान लिया हमने, सपोज करो टू है, वन से ज्यादा टू है, ठीक है, अगर टू है तो इस क्वांटिटी को जब टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रही है, इस क्वांटिटी को जब टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रही है, यानी ये क्वांटिटी छोटी है और ये बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप, एडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप, एडियाबैटिक स्लोप किससे ज्यादा होगा, आइसोथर्मल स्लोप से ज्यादा होगा, कहां पर, ऑन पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के ऊपर आइसोथर्मल स्लोप, एडियाबैटिक स्लोप जो होगा वो आइसोथर्मल स्लोप से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि गामा ग्रेटर देन वन है, इसलिए आपका एडियाबैटिक स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा आइसोथर्मल स्लोप से, ठीक है। अब यहां पर बनाते हैं, देखो ये लाइन, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है और ये वाली आपकी एडियाबैटिक है, क्यू इज इक्वल टू जीरो, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एडियाबैटिक के लिए डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एडियाबैटिक स्लोप जो होगा वो आपका ज्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल से, और इस टाइप से ये बनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहां ग्राफ पे मैं आपको बता देता हूं कि स्लोप कैसे ज्यादा है, ये आपकी है एडियाबैटिक, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन, और ये वाली लाइन है आपकी जब इज इक्वल टू जीरो वाली, एडियाबैटिक वाली, या इसको पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले देते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को क्या लिख देते हैं, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो अगर इस पे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल आएगा ये वाला, ये आएगा इसका स्लोप थीटा वन, इस लाइन का स्लोप, और अगर आप इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पहले इसको तो आगे कर लें, अगर आप इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये आएगा थीटा टू, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा कि थीटा वन की वैल्यू ज्यादा है थीटा टू से, ये थीटा वन की वैल्यू ज्यादा है आपकी थीटा टू से, तो थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है, यही है स्लोप, स्लोप मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, थीटा वन क्या है,
एडियाबेटिक का स्लोप है और थीटा टू किसका है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्लोप है। ठीक है, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो ये आपकी वैल्यू यही देगी। ठीक है, हाँ आप इसको वैसे भी कर सकते हो, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। आगे कैसे, यानी कि हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये लाइन टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये वाली लाइन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाली लाइन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये लाइन कट करके नो डाउट कट इस स्लोप, देखो अभी भी यहां भी स्लोप इसी का ज्यादा है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। ठीक है, तो जो ये लाइन है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये वाली लाइन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये लाइन होगी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ये लाइन होगी, स्लोप किसका ज्यादा होगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, एडियाबेटिक लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, एक टॉपिक और पढ़ते हैं, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे अलग सारी की सारी प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, पहले सबसे पहले एक प्रोसेस जो होगी वो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इनको सबको एक फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे वी कैन राइट ऑल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ PV की पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म में लिख लेंगे PV की पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और हमें क्या लिखना है, PV की पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हमें ये बताना है कि k की क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन आ जाए। ठीक है, k की क्या वैल्यू पुट करें कि आपकी इक्वेशन जो आ जाए वो ये आ जाए। तो देखो, k की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे नहीं आएगी, k की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को ये बनाना है k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इसके इक्वल होगी, हमें ये देखना है। तो हम क्या करते हैं, पी वी की पावर के है ना, इसकी पावर 1/k कर दो और सी की पावर भी 1/k कर दो दोनों तरफ, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा और यहां पर बन जाएगा पी की पावर 1/k इंटू वी की पावर के डिवाइड के इंटू 1/k, ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू सी की पावर 1/k, मतलब अनदर कॉन्स्टेंट C1। तो यानी कि आपके पास इक्वेशन आई पी की पावर 1/k इंटू वी इज इक्वल टू C1 और ये इसको अब इस फॉर्म में लिखना है। अगर ये 0 होगा, ये वैल्यू अगर 1 होगी देखो 1/k को अगर आप 0 पुट कर दो, 1/k को 0 पुट कर दो, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहां पर लिख दो आप कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास 1/k की वैल्यू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आई, इंफिनिटी। बस हमें ये चीज याद रखनी है, k की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। k की वैल्यू इंफिनिटी किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई। उसके बाद सेकंड, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है होता है, लेकिन हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, पीवी की पावर के इज इक्वल टू सी। अब देखो, अगर के को जीरो पुट कर दोगे, के को अगर
जीरो पुट कर दोगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगी, फिर से वन टू कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो पुट करोगे किसी की पावर, देखो एक्चुअल में के की वैल्यू जीरो पुट करते ही वी की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, वी की पावर जीरो की वैल्यू वन यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच जाएगा। तो हमारे यहां से आया हमारे पास के की वैल्यू, इसके लिए क्या है के की वैल्यू जीरो। फिर आते हैं थर्ड पे, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन यहां पर तो टेम्परेचर का कोई नाम ही नहीं है। टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, यानी कि एम कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट टी भी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर यहां पर कॉन्स्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू सी। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है, पी वी की पावर के इज इक्वल टू सी, ये वन ये टू, इनको कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या है वन है, सिंपल वन पुट करोगे तभी तो ये आएगी, तो यहां पर के की वैल्यू क्या आई आपके लिए वन। आइसोथर्मल के लिए आ गई आपके पास। फिर नेक्स्ट आइसोथर्मल के लिए आ गई और अब है एडियाबेटिक के लिए, फोर्थ एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन होती है और हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, PV की पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों को कंपेयर करोगे तो K की वैल्यू क्या आई गामा। फिफ्थ है ऐसे ही पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में K की वैल्यू क्या आ जाएगी N आ जाएगी, सिंपल यहां पर गामा की जगह N होता है तो K की वैल्यू N आ जाएगी। अब देखो एन वन से बड़ा होता है उसके बाद गामा होता है, यानी कि देखो सबसे छोटा के की वैल्यू जीरो, फिर के की वैल्यू वन, फिर के की वैल्यू एन, फिर के की वैल्यू गामा और फिर लास्ट में के की वैल्यू इन्फिनिटी। तो हम इनको सबको लिख लेते हैं, सबको लिख लेते हैं एक टेबल में। एक टेबल में कैसे लिखेंगे, प्रोसेस वैल्यू ऑफ के, यहां पर प्रोसेस लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ के। देखो तो सबसे पहले जो जीरो आई है, जीरो किसके लिए आई है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जीरो किसके लिए आई है आपकी वैल्यू, जीरो आई है आपकी कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए के की वैल्यू जीरो। उसके बाद वन किसके लिए आई है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए वन, फिर उससे बड़ा पॉलीट्रोपिक के लिए, पॉलीट्रोपिक के लिए के की वैल्यू एन, फिर उससे बड़ा गामा, गामा किसके लिए एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए गामा, और फिर लास्ट में ये वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए कितनी इन्फिनिटी। बस ठीक है, ये वैल्यू आई, यहां पर के क्या है इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे पीवी डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे होती है, यही तो होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन में अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हम एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं हम एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब ये तो ये हो गई, दूसरी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। देखो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होगा, इस वर्टिकल लाइन आएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लास्ट वाली है, और ये नीचे की तरफ होगा क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज करे, और अगर इक्विवेलेंट सोचेंगे हम तो प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो हम मान लेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो एक्चुअल में वॉल्यूम कांस्टेंट है इस लाइन पे, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, लेकिन हम इसमें ये कहेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें मन लग रहा है कि ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, देखो इसके लिए के की वैल्यू कितनी है जीरो, और इसके लिए के की वैल्यू क्या है
इनफिनिटी, ये आपकी है प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन, ये है वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस, देखो के की वैल्यू जीरो यहां पर और इन्फिनिटी यहां पे, मतलब बीच में सारी इक्वेशंस आएंगी। जो पहले देखो वन के लिए के की वैल्यू वन जो होगी ये इक्वेशन, ये कर्व बनेगी, ये कर्व बनेगी किसके लिए, के की वैल्यू वन यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर नेक्स्ट जो आएगी आपके पास वो आएगी के की वैल्यू एन यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। फिर जो आएगी किसके लिए यहां पर के की वैल्यू गामा यानी कि एडियाबेटिक के लिए, है ना। और अब देखो इस डायरेक्शन में यहां से लेकर यहां तक आपका के इज इंक्रीजिंग, के क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये एक्सपेंशन के लिए, ऐसे ही अगर आप कंप्रेशन के लिए बनाना चाहते हो, कंप्रेशन के लिए अगर बनाना चाहते हो तो कंप्रेशन में प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ये आ जाएगी, लेकिन अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये वाली लाइन आ जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब के की वैल्यू इन्फिनिटी और यहां पर के की वैल्यू जीरो, के की जीरो से के की इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब पहले जो लाइन आएगी के की वैल्यू जीरो के बाद क्या आएगी, के की वैल्यू वन आएगी। तो मैं सेम उसी से बना देता हूं, हम इसको यहां पे बनाएंगे, सॉरी यहां बनाएंगे इस लाइन को, यहां से स्टार्ट ओरिजिन पॉइंट ये है, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो ये आया आपके पास, दूसरी लाइन आई वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी के की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि सारी लाइंस इनके बीच में आएंगी, वैसे भी बन जाएगी पर हम ऐसी बनाएंगे। ये आपके पास आया पहले टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि के की वैल्यू वन, रेड से ही बनाएंगे उसको। फिर ब्लू वाली लाइन थी आपके पास ये वाली लाइन के की वैल्यू एन यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट ये वाली के की वैल्यू गामा यानी कि एडियाबेटिक। यहां से भी आप देख सकते हो एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा है, यहां पर भी देख सकते हो एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल स्लोप से ज्यादा है। तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम बना है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम बना है ये किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए। और जो नीचे वाला डायग्राम बना है ये किसके लिए बना है, कंप्रेशन के लिए। यानी कंप्रेशन जब होगा तो ये इस टाइप से आएगी आपकी, और एक्सपेंशन होगा तो ये सारी लाइनें आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस के की वैल्यू आपको देखनी है। के की वैल्यू यहां पर जीरो है, यहां पर के की वैल्यू इधर की साइड के की वैल्यू जीरो है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है। के की वैल्यू जीरो, फिर वन, फिर एन, फिर गामा, फिर इन्फिनिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में के इंक्रीज हो रहा है, इधर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और इधर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप इसको अगर एक ग्राफ पे बनाना चाहो तो एक ग्राफ पे भी बन सकता है, ये सिंपल है, बहुत ही मैं बहुत जल्दी जल्दी बना देता हूं। देखो कैसे ये लाइन आपकी इधर इस पॉइंट से यहां पर इधर, ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन, वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर ये लाइन इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फिर ब्लू वाली, सबसे पहले रेड वाली लाइन, रेड वाली लाइन कैसे आ रही है, ये रेड वाली टेम्परेचर इज इक्वल